आयुर्वेद के जरिए पाएं घने, लंबे और स्वस्थ बाल। स्त्री हो या पुरुष, हर किसी को सुंदर मखमली रेशमी बालों की ख्वाहिश होती है। लंबे घने मखमली बाल इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि ज्यादातर लोग बालों को लेकर कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यह समस्याएं अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होती हैं। जैसे किसी के बाल छोटे रह जाते हैं, वहीं किसी के बढ़ते तो हैं पर बहुत धीमी गति से। कहीं बाल लंबे तो होते हैं लेकिन कमजोरी की वजह से बार बार टूट जाते हैं। बालों को बढ़ाने के लिए टीवी में, अखबार में, मैगजीन्स में, बाजार में आपने अनेकों जगह बहुत से विकल्प देखे होंगे, लेकिन उन सब की काम करने की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे बहुत से देसी और प्राकृतिक नुस्खों का वर्णन है जो बालों की सेहत के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर में। यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। नंबर 1, बादाम का तेल। बालों को बढ़ाने के लिए बादाम बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यदि बादाम के तेल को हल्का गुनगुना गर्म करके बालों में मालिश की जाए और फिर आधे घंटे बाद उसको शैम्पू से धो लें तो बालों को बहुत फायदा मिलता है। ऐसा कुछ दिन नियमित रूप से करने से बालों की लंबाई बढ़ती है और बाल स्वस्थ भी बनते हैं। नंबर 2, आंवले का प्रयोग। आंवला बालों के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। आंवले में ऐसे बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिसके कारण बाल बहुत ही अधिक गति से बढ़ते हैं। आंवले को सुखाकर उसको रीठे में मिलाकर सिर में लगाया जाए तो उससे बाल काले हो जाते हैं। कच्चा आंवला सेवन करने से भी बालों पर असर पड़ता है। आंवले से बाल घने, लंबे और काले होते हैं। नंबर 3, कलौंजी का प्रयोग। कलौंजी बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। 7 चम्मच कलौंजी को पीसकर 3 ग्लास पानी में उबाल लें। उसके बाद हल्का गर्म होने पर उससे अपने बालों को धोएं। अगर आप महीने में 12 बार मतलब हर दूसरे दिन धोएं तो केवल एक महीने में 4 से 5 इंच तक बढ़ जाएंगे। नंबर 4, एलोवेरा का प्रयोग। एलोवेरा बालों को झड़ने से रोकता है और उनको काला बनाता है। एलोवेरा के जेल को एक कटोरी में निकालकर अगर उसमें कुछ बूंदे नींबू की मिला लें और उसको जड़ से लेकर पूरे बालों पर लगाया जाए तो कुछ ही दिनों में बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और बालों में कालापन आना शुरू हो जाता है। नंबर 5, मेथी दाने का प्रयोग। मेथी दाना बालों के लिए एक उपयोगी औषधि है क्योंकि मेथी के दानों में फोलिक एसिड, विटामिन के, विटामिन सी आदि पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन और निकोटीन एसिड भी पाया जाता है। मेथी का नियमित उपयोग करने से बाल नहीं टूटते और डैमेज भी नहीं होते हैं। इसके लिए रात में 2 चम्मच मेथी के दानों को भिगो दें। उसके बाद सुबह उठकर मेथी के दानों को निकालकर उस पानी को पी लें और दानों को पीसकर लेप बनाकर बालों की जड़ों में लगा लें और तकरीबन 20 मिनट बाद बाल धो लें। इससे आपके बाल एकदम मजबूत, लंबे और घने हो जाएंगे। नंबर 6, दही का प्रयोग। बालों में दही का प्रयोग भी किया जाता है क्योंकि दही में कूलिंग प्रॉपर्टीज के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन स्कैल्प की सेहत और नए फॉलिकल्स के लिए उपयोगी है। अपने बालों में दही से मसाज करने के 15 मिनट बाद उन्हें धो लें। ऐसा करने से आपके बाल एकदम मजबूत हो जाएंगे और साथ में बालों में मखमलीपन भी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आयुर्वेद में बताए गए वो कुदरती नुस्खे जिनके इस्तेमाल से आप लंबे, घने और सिल्की बाल पा सकते हैं। इनकी 2 बड़ी खासियत ये है कि ये आपकी जेब पर महंगा असर भी नहीं डालते और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। यदि आपके पास भी आयुर्वेद में ही बताया गया कोई दूसरा कुदरती नुस्खा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप हेल्थ से जुड़े किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। हम जल्दी ही हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़े दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।